नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर के पलेरा थाना अंतर्गत ग्राम टीला लारून की संदिग्ध अवस्था में मौत। घटना दुर्घटना और हत्या के बीच उलझ कर रह गई है। परिजनों का आरोप है कि 24 तारीख की शाम को रविंद्र राजपूत के भाई की शादी के कामकाज का बोलकर ग्राम टीला लारून निवासी रविंद्र राजपूत और राजू राजपूत घर से लाखन राजपूत को लेकर गए थे और रात्रि में नौगांव थाने की सीमा खमा के पास एक्सीडेंट होने की बात की सूचना डायल 100 पर दी गई। डायल 100 लाखन को घायल अवस्था में नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई, लेकिन बिना इलाज के राजू राजपूत और रविंद्र राजपूत रात्रि में ही लाखन को घायल अवस्था में ग्वालियर ले गए। बिना लाखन के परिजनों की सूचना पर और घटना की जानकारी परिजनों को अगले दिन यानी 25 जून की सुबह एक्सीडेंट में घायल होने की सूचना दी गई। वहीं ग्वालियर में उपचार के दौरान लाखन राजपूत की मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम होने के बाद आज शव ग्वालियर से नौगांव लाया गया है। वहीं परिजनों ने शव को ग्राम टीला ना ले जाकर नौगांव थाने में लाखन की घटना में मौत नहीं बल्कि हत्या का आरोप लगाते हुए नौगांव थाने में एक आवेदन दिया है। वहीं नौगांव थाना प्रभारी संजय बेदिया ने मामले की जांच करने की बात कही। छतरपुर ब्यूरो चीफ गजेंद्र साहू के साथ चिरंजीव अहिरवार की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? क्या क्या घटना है? कौन ले गया था आपके बेटे को और क्या क्या ले गया था? यही ले गए थे, राजू ले गया था मुझे, ठीक है, मुझे लड़का का। क्या बोल के ले गया था? कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा है? एक हो चल रहा है कि शादी के लिए मुझको काम को ले गया था, फिर परेशान हो जी के लिए। तो क्या लगता है आपको कि क्या क्या घटना घटी थी, एक्सीडेंट है या कुछ और है? उसने साहब उसने तो मारा है, 4-5 साल से मेरे आना जाना बंद है। तो आपको क्या शक है और किस पर शक है? साहब उनने हम पे इस पे शक है कि हमारी 3-4 साल पहले से आना जाना बंद है, ना हम जाते कभी ना आते थे और इनने ऐसे इस ब्याह में कभी नहीं गए, इस वो लड़का चला गया तो हमको तो पूरे शक है। बोला हो किस पर शक है, नाम बताइए किस पर शक? हमको राजू पर है। राजू पर शक? हाँ, ये शक है कि इनने 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 या तो मार डाला या कुछ भी कर डाला। हो साहब हमको पूरी शक है। अब आप क्या चाहते हैं साहब? आप जो शासन हमको निर्णय देगी, जो शासन वो चाहता हूँ। लारून की लड़की का एक्सीडेंट और हत्या का के बीच कहानी झूल रही है। परिजनों ने आज नौगांव थाने आया, क्या कुछ पूरा घटना का क्रम है? ये 24-25 के दिनांक की बात है। ये ग्वालियर हॉस्पिटल पहुंचा था, लड़का एडमिट हुआ है वहाँ ग्वालियर में। वहाँ प्रधान आरक्षक से बात हुई है जिसने पीएम करवाया है, तो पीएम में जो एक्सीडेंट से आई चोटों के कारण मृत्यु होना बताया है और यदि इनने किसी प्रकार के आरोप लगाए हैं तो उसकी जांच की जाएगी, जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की।